आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है जागृति महिला मंडल, जागृति एनक्लेव, आनंद विहार, क्षेत्र दिल्ली। सन्मति सागर नमो नमः, जय दुख भंजन नमो नमः, पंचाचारी नमो नमः, स्वर्ग मोक्ष के भाग्य विधाता जय जय सन्मति नमो नमः, ओम रूम नमो नमः, सन्मति सागर नमो नमः, जय दुख भंजन नमो नमः, पंचाचारी नमो नमः, स्वर्ग मोक्ष के भाग्य विधाता जय जय सन्मति नमो नमः, ओम रूम नमो नमः, सन्मति सागर नमो नमः, जय दुख भंजन नमो नमः, पंचाचारी नमो नमः, स्वर्ग मोक्ष के भाग्य विधाता जय जय सन्मति नमो नमः, जय जय सन्मति नमो नमः, जय जय सन्मति नमो नमः। आगे जब बिन बोली मिलता तो बोल के क्या मांगे, मेरी दुनिया तुम ही हो, मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे, जब साक्षात जागृति में विराजमान, लेकिन भगवान के चरणों में पूरा भारत यहां पर आ रहा है। कोई 2000 किलोमीटर से
कोई 1000 किलोमीटर से, कोई 500 किलोमीटर से, लेकिन कुछ हमारी जागृति वासियों का बड़ा दुर्भाग्य कहूंगा कि कुछ मीटर पर विराजमान जो यहां तक आने में क्यों कतराते हैं यह समझ नहीं आता। दूसरी बात, जो यहां पर उपस्थित हैं वो निश्चय से भव्य हैं, क्योंकि वीतरागी देव गुरु और आगम के दर्शन सौभाग्यशालियों को ही मिलते हैं। उसी यह बात मुझे पूज्यपाद स्वामी के संत्याष्टक पढ़ते हुए पता लगी, जहां पर उन्होंने क्या कहा, ना स्नेहा शरणम प्रायंति भगवन पादद वयम ते प्रजा हेतस्तत्र विचित्र दुख निच्यः संसार घोरारणवः। ये उन्होंने ये कहा कि भगवान आपके चरणों में लोग इसलिए नहीं आते कि उन्हें आपसे प्रेम है, स्नेह है, बड़ी विचित्र बात है, बल्कि क्यों आते हैं, क्योंकि संसार से भरा हुआ दुख है, इसीलिए उसके निवारण के लिए आपके चरणों में आते हैं। और मुझे यही देखने में आता है, रोज मैं यही देखता हूं, कोई राजस्थान से, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, कोई और कहां कहां दूर से भगवान के चरणों में श्रीफल चढ़ाते हैं और अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। कुछ इसी तरह की पंक्तियां हैं, ध्यान से सुनना आप। पहली दो लाइनें, भव सागर में दुख ना मिलता, भव सागर में दुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों, शरण में आकर सुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों। देखो यहां दो कारण बताए कि भव सागर में दुख नहीं होता तो शरण में क्यों आता। दूसरा ये बताया, देखो जो बहुत महत्व है जिसका, कि शरण में आकर सुख ना मिलता तो आता क्यों, अर्थात आपके शरण ही ऐसे हैं, आपके चरण ही ऐसे हैं, क्या करूं। सच कहता हूं मेरे गुरुवर, नहीं प्रेम से आया हूं, विपदाओं ने हमको भेजा, व्यथा सुनाने आया हूं। गर्मी जिसको नहीं सताती, वृक्ष के नीचे आता क्यों, शरण में आकर सुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों। तुम तो सुख के सागर गुरुवर, दो बूंद हमें मिल जाएगी, जाने वाली अंतिम सांसे कुछ पल करके जाएगी। नदियों में यदि जल ना होता, हंस बैठने आता क्यों, तेरी शरण में सुख ना मिलता तो शरण में आता क्यों। भीख नहीं मैं मांग रहा हूं, ना ही कोई भिखारी हूं, भीख नहीं मैं मांग रहा हूं, ना ही कोई भिखारी हूं, स्वामी सेवक को देता है, मैं तो भक्त पुजारी हूँ, स्वामी सेवक को देता है, मैं तो भक्त पुजारी हूँ। जितना नीर लुटाता बादल, जितना नीर लुटाता बादल, उतना ऊपर जाता क्यों, शरण में आकर सुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों। जय हो गुरुदेव आचार्य शिष्य। आज से गुरुवर करूं भक्ति तेरे नाम की, आज से मेरा मन तेरा हो गया, आज से गुरुवर करूं भक्ति तेरे नाम की, आज से मेरा मन तेरा हो गया, हो तेरे चरणों में आके हो तेरा दर्शन पाके, हो तेरे दरबार में जीवन
नाम की, आज से मेरा मन तेरा हो गया। जो भी तेरे दर आता है उसके तू बाग जगाता है, मोह माया के दल दल से उसे तू पार लगाता है। ओ जिन शासन के रखवाले तेरा दर्शन जो भी पाले, दुनिया उसके कदमों में हो तेरा दर्शन जो भी पाले। तेरे पथ पे चलो तेरा नाम रटो बस कर रखना, आज से गुरुवर करो भक्ति तेरे नाम की, आज से मेरा मन तेरा हो गया। आज से गुरुवर करो भक्ति तेरे नाम की, आज से मेरा मन तेरा भगवान जिनकारी दे विशाल है, रखे सबका ख्याल है, कारी दे विशाल है, रखे सबका ख्याल है, उसे मिथ्या अर्घ्य समर्पित करेंगे। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, अटकर मेरा शिखी दहन है तू, अष्ट चरणों में अर्पित है चिर वंदित अष्ट प्रवचनों की, माताई तुझ में विकसित है आचार सुनील सागर जी की, यश विश्व राज्य सागर से गुरुदेव चले प्यो जल फला दिए अर्घ्य अंदर वो पावे दी बोले परे पूजा जय श्री सुरी सागर से गुरुदेव। नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोई सव सावणम एसो पंच नमो कारो सव पावपनाशनो मंगलाणं च सर्वेशिं पद्मं होइ मंगलं पद्मं होइ मंगलं। एक बार की बात है, दो दोस्त थे, वो हमेशा बचपन से ही साथ में रहते थे, एक गली में रहते थे। लेकिन एक जब छोटे बड़े बड़े होते होते गए तो फिर क्या हुआ कि आठवीं क्लास दोनों ने पास कर ली, और उसके बाद उनके घर में जब पहले कच्चा मकान होता था तो वहाँ पे वो छोटी छोटी अंटियाँ खेलते थे। अंटी खेलते खेलते बड़े जो दोस्त था उसके घर में अच्छा वैभव अच्छा था, तो वहाँ सोने चांदी हीरे मोती सब बिखरे रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक संदूक के अंदर जो हीरे पड़े हुए थे वो हीरा एकदम से छोटे उसके दोस्त से गिर गया तो मिट्टी के अंदर चिपक गया। तो जहाँ जैसे वो संदूक उल्टा पड़ा था तो उनके पिताजी आए, बोले संदूक उल्टा पड़ा और इसमें वो हीरे नहीं है। तो बोले अपने घर में कौन आता है, अब कौन आता है, उनको पता चल गया दो ही तो आते हैं और कोई आता ही नहीं है, या तो अपने बेटे ने कुछ बेच के कुछ खा लिया या फिर तेरे दोस्त ने कुछ कर लिया। तो उनकी माँ ने बोला कि नहीं, ये जो तुम्हारा दोस्त है चोरी करके गया है। जैसे उसको पता चला उनके बेटे को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वो पापा मम्मी के सामने नहीं बोल सके। फिर क्या हुआ कि जब उनका दोस्त आया तो उनसे धीरे से बाहर बगीचे में ले गया, बोले कि मुझे तुम पे बहुत विश्वास है,
लेकिन मैं क्या करूँ, अब मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। बोले कोई बात नहीं, आप नहीं सूझ रहे हो तो मुझे सब मालूम पड़ रहा है। तो बोले क्या करना, बोले आप मेरे घर पे आना जाना बंद कर दो। ऐसे ही जैसे जो आगे बढ़ते गए तो वैसा उसके बीच में ऐसा प्रकरण हुआ कि जब आठवीं पास करके उनके पिताजी बाहर चले गए। जैसे ही जाने लगे तो उनके उनके दोस्त के पिताजी मिले, बोले कि क्या हुआ, बोले कि मेरी वजह से आप बाहर जा रहे हो क्या। बोले मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं, कुछ बताया भी नहीं था उनने घर में एक दूसरे को, तो चले गए। तो बड़े हो गए, बड़े होने के बाद क्या हुआ, जैसे मकान का जब कच्चा हो जाता है और वो ईंटें ढीलने लगती हैं, तो उनने जब वहाँ का मकान का सब फर्नीचर वगैरह कराया तो उसके अंदर से हीरे मिले। लेकिन जो हीरा उसने नहीं लिया तो वो आगे जाके वो आदमी इतना उसने सोचा मैंने इस प्रकार से किसी घर में कदम भी रखना है तो बड़े सोच समझ के वो जाना चाहिए। जैसे कि अपने इस अपने आचार्य जी के क्लास में भी आते हैं तो नोक करके या फिर विनती करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसी गलती कभी ना करिए। किसी के घर में जाने से पहले सोचना समझना, उसके बाद में पांव रखना। खाली घर में कभी नहीं जाना चाहिए और अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। हमारे आचार्य श्री हमेशा यही शिक्षा देते हैं। हमारे डॉक्टर के वेद है, जो भी हम भोजन करके आते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं, लेकिन हमारे आँखों से और हमारे चेहरे से वो भाव जाते कि हमने क्या खाया, किस प्रकार का भोजन किया है, आज क्या इनकी विकृतता हो रही है, वो बोलते नहीं है, अपने मन में हमको समझा देते हैं। आचार्य श्री पर हमारे इतना उत्सर्ग हुआ था, लेकिन उस समय भी इतने मौन से और पूरी रात गाड़ियां चलती रही, लेकिन किसी प्रकार का शोध नहीं, बोल नहीं, लेकिन अपने मौन से ही सारा कार्य किया। ऐसा लगता था जैसे हॉस्पिटल हो गया हो, वहाँ पे पीपलकोट में। तो जब रात को जब हमारे दर्शनमती माता जी थे और एक नमन भैया आते थे, नमन भैया रास्ते में मुझे बोले कि हमको मक्खियाँ खा गई, लेकिन मैं तो ऐसे चौंक गई। मैंने बोला कि आपने कितनी बार झूठ बोला है तो आपको मक्खियाँ खा गई, पर मुझे नहीं मालूम था आचार्य श्री के इतना अवसर पीछे हो गया है। तो जैसे वो आए और उनके एक एक मक्खी मतलब कांटे एक एक रूम रूम के अंदर छुपे हुए थे, और हमारे आचार्य जी ने ऐसे शांत मुद्रा से, और दूसरे आचार्य सुबह आए तो सबको मुस्कुराते हुए, और आचार्य जी का चेहरा देखे सबके मुस्कान और सबका दिल दर्द सब क्षमा कर दिया। और हमारे आचार्य जी का इतना उपकार है कि हम कभी नहीं भूले, आचार्य जी हमारे समाधि भी आप अच्छी कराना और नी ग्रंथ कराना, और हमें जब कोई भूल भटक जाए तो हमको समझा बुझा के उसकी राह पर ले जाना। क्षमा क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं, हमको क्षमा करना। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। गुरुवर के चरणों में निवेदन से पहले थोड़ा, कोई हजार दो हजार किलोमीटर से यहीं आया है और कोई दुर्भागी है जो 100 मीटर से भी नहीं आया है। आने वाले 1000 किलोमीटर से भी आ जाते हैं और नहीं आने वाले 150 मीटर से भी नहीं आ पाते हैं। क्या करें, सबका अपना अपना कर्म है, सबका अपना भाग्य है। गंगा किनारे रहने वाले लोग अक्सर कर गंगा में गोता नहीं लगा पाते हैं, जबकि दूर दूर से लोग गंगा में गोता लगाने के लिए हरिद्वार और बनारस जाते हैं। ऐसे ही कुछ योग बहुत बार बनता है। कोशिश होना चाहिए कि कम से कम बहती गंगा में हाथ तो धो लें, नहाए ना नहाए हाथ तो जरूर धो लें। सुन रहे थे आप आज से भगवान करूं भक्ति तेरे नाम की, आज से भगवान मन तेरा हो गया। लेकिन ऐसा कब होगा, बिना तत्व ज्ञान के बिना तत्व निर्णय के ऐसा संभव नहीं है। जब तक पदार्थ की रुचि है तब तक परमार्थ की रुचि नहीं होती, और जब पदार्थ परमार्थ की रुचि होती है तो पदार्थ की रुचि आप मिट जाती है। पदार्थ की रुचि वाले लोग पदार्थ के पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं, और पदार्थों के पीछे कितना भी भागे दौड़े कोई भी पदार्थ किसी और का होता नहीं है। प्रत्येक वस्तु अपनी अपनी है, प्रत्येक वस्तु स्वयं स्वयं की है, किसी दूसरे की
नहीं होती। कोई पदार्थ किसी का नहीं होता, पदार्थ पदार्थ है और अपने आप में स्वतंत्र है। आप कहोगे कैसे नहीं होता, अगर नहीं होता है तो उसके पकड़ने के लिए उसे पीछे क्यों दौड़ते रहते हैं लोग। कुछ भी है दौड़ने वाले को हम क्या कह सकते हैं। आप वो उदाहरण देखिए कि कुत्ता हर एक गाड़ी के पीछे दौड़ता है, हर एक गाड़ी के पीछे भौंकता है, लेकिन कोई भी गाड़ी कोई भी लाड़ी उसकी हो जाती है। ऐसे ही अज्ञानी जीव की स्थिति है कि हर पदार्थ के पीछे दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है और कभी पा भी लेता है। पा लेने के बाद भी कोई पदार्थ पर वो अपना नाम तो लिख सकता है, लेकिन वो नाम भी उसका नहीं होता है, वो पदार्थ भी उसका नहीं होता है। सच्चाई ये है। अरे ज्ञानी अपने देह पर भी टैटू बनवाते हैं ना, कौन बनवाते हैं टैटू, टट्टू लोग टैटू बनवाते हैं। कौन कौन बनवाते हैं टैटू, किस किसने बनवाया है, एक कला है, लोगों को अच्छा लगता है कि हमारी इस पर भी बना दीजिए। और कई लोग बनवाते हैं टैटू उसके नाम का, कई लोग बनवाते हैं टैटू इसके नाम का, लेकिन कोई भाग्यशाली बनवाते हैं टैटू प्रभु के नाम का बनवाते हैं। कुछ युवाएं से भी मिलेंगे कि शौक तो है टैटू बनवाने का, लेकिन बनवाएंगे तो वो अहिंसा वाला, अहिंसा परमो धर्मा वाला वो नक्शा बनवाएंगे, नमोकार मंत्र लिखवाएंगे, गुरुदेव लिखवाएंगे, माता पिता लिखवाएंगे, ऐसा कुछ लिखवाएंगे जैसी जैसी इनकी बुद्धि है। और कई लोग तो ऐसा नाम लिखवाएंगे कि ना जिसे वो जिंदगी में कभी जिसका थोबड़ा भी नहीं देख सकते हैं, किसी हीरोइन का किसी हीरो का। लेकिन ज्ञानी विचार करना, मोक्ष मार्ग में चलने वाले मुनि से बड़ा कोई दूसरा हीरो दुनिया में नहीं होता है। बाकी तो सब नाचने गाने वाले लोग हैं, आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो हमेशा के लिए सफलता पाते हैं कोई सौभाग्यशाली मुनि कहलाते हैं कि समाधि तक पहुंच जाए। दक्षमती जी की समाधि हुई, अरिका जी लाल मंदिर प्रवास के समय बहुत आग्रह था उनका, महाराज जी आप बता दीजिए, लेकिन उन्हें निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए यही कहते थे धैर्य रखिए, आपकी साधना ऐसे ही चलने दीजिए और आप स्वस्थ रहेंगे, ताकि बहुत ज्यादा विचलित ना हो। और वो कम विचलित होते थे, उनके साथ वाली माता जी ज्यादा विचलित होती थी, इसलिए हमने उन्हें यही संबोधन उचित समझा कि आप इसी ढंग से साधना बढ़ाते रहें, देह और आत्मा की भिन्नता की साधना करते रहें। देह तो छूटना है छूटेगा, लेकिन नहीं छूटता है तो इसे स्वस्थ करने की भी कोशिश करें और सहज रहें। और वर्षों की साधना के बाद राजस्थान की साला में वो जन्म हुआ उनका, और दिल्ली के लाल मंदिर में समाधि शादी। बताइए इस टाइप की सफलता कितने लोग पाते। कहते हैं उन्हें ट्यूमर या कैंसर जैसी जबरदस्त प्रॉब्लम हो गई, फिर भी धैर्य से साधना करती रही। इतनी हिम्मत कौन रखता है, ये हीरो नहीं है, ये हीरोइन है। अभी एक प्रसंग सुन रहे थे हम, बोले एक हीरोइन ने 40 घंटे का भूखा और प्यासा रहना स्वीकार किया कि उनकी उनके रोल के लिए वो जरूरी था। 40 घंटे तक पानी नहीं पिया, अखबारों में बड़ी लाइन में मोटी लाइन में छपा 40 घंटे तक पानी नहीं पिया। किसने नहीं पिया, केरल स्टोरी। आप लोग बहुत ज्ञान रखते हैं सब चीजों का। 40 घंटे पानी नहीं पिया, वो अखबार में खबर बन गई, लेकिन जो 100-100 घंटे तक भी पानी नहीं पीते हैं और जो
40 घंटे में 48 घंटे में केवल एक बार ही भोजन पानी लेते हैं, बताइए उनकी कितनी बड़ी कवरेज आना चाहिए। लेकिन नहीं आती है, क्यों? सारा संसार राग के पीछे है, सारा संसार विकार के पीछे है। तो विकार और राग वाली चीजों की पुष्टि करता, वितरागता की पुष्टि करने वाले तो गिनती के लोग मिलेंगे। रूपाणी यहां आकर के तत्व ज्ञान की चर्चा करके जाएंगे और चार अच्छी बातें मंच पर बोल जाएंगे, बोलेंगे, वो खबर कम बनेंगी। गौतम गंभीर अपनी कुछ अच्छी बातें बता के जाएंगे, मुनियों की प्रशंसा करके जाएंगे अखबारों में, वो प्रशंसा छोटी लाइन में बनेगी, कहो नहीं ही बनेगी। लेकिन वही कहीं राजनीतिक मंच पर और बाहर शहर में कुछ धमाकेदार हुआ, बाहर जाकर के राजनीति के संबंध में उनने कुछ बोला, तो खबर बड़ी बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? लोगों की रुचि उसी टाइप की है, विषयों की, विकारों की, राग द्वेष की, मोह की, पदार्थों में एकत्व की उनकी बुद्धि है, रुचि। जज साहब, तो जैसी रुचि होती है वैसी शक्ति काम करती है। जहां की रुचि जैसी होती है, जिन लोगों की रुचि जैसी होती है, शक्ति भी वैसे काम करती है। अगर उनकी रुचि भक्ति में है तो वो समाज निकाल लेंगे, उनकी रुचि आहार दान की है तो हर हाल में वो आहार दान के लिए, चौका लगाने के लिए, पड़गहन के लिए समय निकाल ही लेंगे। उनकी रुचि प्रभु के अभिषेक की, नवन की, वंदन की है, उसे भी समय निकाल ही लेते हैं। उनकी रुचि मुनिराजों के साथ पदविहार करने की है, निकाल लेते हैं समय। रुचि अनुयायी वीर्या, जैसी रुचि होती है वैसे आपकी शक्ति काम करती है, उस टाइप से, उस लाइन में आपकी शक्ति काम करती है। इसलिए अपनी रुचि अच्छी बनाई है, और रुचि अच्छी नहीं है तो घर पर टीवी के सामने पड़ा रहेगा। और यहां से किसी कार्यकर्ता ने फोन किया, प्रधान जी ने बुलाया कि भाई आओ, दो चार दिन आप भी आओ, देखो क्या बढ़िया चल रहा है। नहीं, अभी समय नहीं है, अभी अभी वो है ना, वो सीजन चल रहा है, अभी जो है ना बच्चे बाहर जाने वाले हैं, कुछ ना कुछ बहाना निकल ही आएगा। छुट्टियां हैं तो भी बहाना निकल आएगा, और छुट्टियां नहीं हैं तो बहाने ही बहाने हैं। क्यों? रुचि कैसी है? रुचि होती है, रुचि समझ में आ रहा? तीव्र भावना, चाहना, पसंद, लाइक, अभी आप एक प्रवचन ले लें, इसमें से कुछ पॉइंट्स अपने मित्रों को भेजें, आप पर लाइक्स आएंगे, व्यूज आएंगे, हाँ? और क्या आएंगे? कमेंट्स आएंगे, और क्या आएंगे? सबसे ज्यादा चालाक छोकरा यही है, इसको इस सब बातों का बहुत ज्ञान है। आएंगे कि नहीं आएंगे? लेकिन उतने ही आएंगे, और वही लोग भेजेंगे जिनको वो चीज अच्छी लगेगी, जो उसे पढ़ेंगे, जिन्हें आप का ही भेजा हुआ विषय पसंद आया। और नहीं तो कुछ लोग तो यूं उड़ाते जाते हैं, धार्मिक जो ऐप्स होते हैं या जो भी चीजें होती हैं, कई लोग तो यूं निकालते जाते हैं, और सबसे अच्छी चीजें निकालते निकालते सबसे गंदे उसमें पहुंचेंगे। क्या कहलाता हो? इंस्टाग्राम, और कौन सा ग्राम, जो भी है ग्राम हो, लेकिन ये समझ लो कि रुचि का ही है। और एक बात है, आप कहोगे क्या करें, वही अच्छा लगता है, वो अच्छा लगने का कारण है जीव के जन्म जन्म के संस्कार, वही है। क्या चीज के संस्कार है? आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च। आहार कहो, निद्रा कहो,
मैथुन कहो, इसी के तो संस्कार है सारे जीवों के, कुत्ते बिल्ली तक के, पशु पंछियों तक के। रुचि कहाँ है बताइए? उसी विषय में रुचि है, क्यों? वही संस्कार है। पंछियों को भी सिखाना पड़ता है क्या? शुरू शुरू में वो रोते भी हैं, चींचिंग करते हैं, तो खाने के लिए ही करते हैं, भूख उनको भी लगी, और जब उनका अपना मुंह नहीं खुलता है, दाना लेने नहीं जा पाते, तो उनके बड़े पंछी, उनके माँ बाप, किसी भी पर्याय में आप देख लो, देह की एकत्वता सभी अनुभव कर रहे हैं, देह की भिन्नता कोई सौभाग्यशाली ज्ञानी अनुभव करता है, नहीं तो आहार निद्रा भय मैथुनम, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत पशुभि नराणाम। ज्ञानेन मधिको मधिको विशेषा ज्ञाने नहीं ना पशुभि समान। आहार भोजन करना सब करते हैं, कीड़े मकोड़े भी, छोटी छोटी कृमि भी, आटे दाल में हो जाने वाले कीड़े भी खाना खाते हैं, भोजन कौन नहीं करता? निद्रा किसे नहीं आती? सब सोते हैं, बंदर भी सोते हैं, कुत्ते भी सोते हैं, आदमी भी सोते हैं, पंछी भी सोते हैं, गाय भी सोती, घोड़ा भी सोता है, और घोड़ा तो खड़े खड़े तक सो जाता है, खड़े खड़े घोड़ा कैसे सोता है? बैठे बैठे कौन सोता है? बंदर। खड़े खड़े कौन सोता है? घोड़ा। लेट करके कौन सोता है? सभी प्राणियों की अपनी अपनी प्रवृत्ति है, प्रवृत्तियां हैं, तो आहार निद्रा भी सबको आती है, भय भी सबको होता है, डर भी सबको होता है, किसको डर नहीं होता? शेर को डर नहीं होता? बोलो ज्ञानी, शेर को, शेर किससे डरता है? जवाब बहुत बढ़िया दिया। शेर किससे डरता है? शेर डरता है शेरनी से डरता है। आप शेरनी बोल रहे थे ना, शेर किससे डरता है? शेरनी से डरता है। और सेठ किससे डरता है? सेठ किससे डरता है? डरता ही है। अच्छा, मान लीजिए अगर वो परस्पर स्वजाति में ना भी डरे, एक डर होता है इमोशनल बोलते है ना, इमोशनल फियर, एक डर वो होता है। लेकिन ऐसे भी द्वेषात्मक भय भी होता है कि कोई शिकारी आ गया तो, या उससे बड़ा कोई दूसरा खतरनाक जानवर या शेर आ गया तो, डर वहां भी है। जहां जितना ज्यादा डर है, जिन लोगों को जितना ज्यादा डर है, उन लोगों ने उतनी ज्यादा सुविधाएं जुटा रखी। जेड प्लस सुरक्षा किसके लिए होगी? आपके लिए होगी। क्यों? आपको डर नहीं है? डर तो है, डर है आपको? आप लोग इतने डरपोक हो? आप कहेंगे कोई डर नहीं है, इतने सुरक्षित बैठे हैं, बढ़िया है, ऐसा कोई मारने पीटने नहीं आ रहा है, कोई अभय का माहौल है, इसलिए डर नहीं है। यूक्रेन के लोगों से पूछो कि डर है कि नहीं। वहां के एक एक इंसान को जेड सुरक्षा की जरूरत है। क्यों? हमेशा डर है कि कहां से कौन सी गाज गिरेगी, कहां से कौन सी मिसाइल टपक जाएगी, कितने घर कितने लोग एक साथ तबाह हो जाएंगे।
तो एक तरह से जिनको जितने ज्यादा डर है वो उतनी ज्यादा सुविधाएं लेके उतने ज्यादा सुरक्षा के प्रबंध करते हैं। सरस्वती माता जी को कोई ज्यादा डर नहीं है, इसलिए उनके पास केवल एक बाजा है, क्या? वीणा। आराम से बैठो, यूं आसन पर आसन लगाओ और बजाते रहो। लेकिन जिन देवताओं को डर है देख लो आप, उनके पास कितने हथियार रहते हैं, कोई ना कोई हथियार तो रहता ही। और कई बार तो अब लोग भले मजाक समझते हो, लेकिन कई बार जब मूर्तियां स्थापना का टाइम आता है ना, तो देवताओं के लिए आजकल लोग एक 47 भी पकड़ा देते, टैंक पर सवारी करता हुआ उनका वो मूर्ति विराजमान करते हैं। आएगी अभी गणेश चतुर्थी, जो भी है समझने की बात है कि जहां जितना भय है वहां उतनी ज्यादा सिक्योरिटी है। हम 40 साल पहले, और 40 क्यों, 20 साल पहले नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी क्या थी? 0000। क्या 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 सिक्योरिटी थी? कुछ भी नहीं। अचानक से गुजरात के मुख्यमंत्री बने, अचानक से। बात समझना, विषय यह है कि जब तक आप निर्द्वंद थे, अकेले थे, बिंदास, कोई डर नहीं, कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे कोई उत्तर आए तो कोई भार आया कि कहीं का आपने अपने आप को कुछ समझना चालू किया, कि कहीं का आपको किसी ने कुछ बना दिया, कि दूसरे छीनने वाले तैयार, और वहीं से खतरे चालू। तो डर सबको है, आहार भी, निद्रा भी, भय भी, मैथुन संज्ञा भी सबको लगी है। चूहे के भी बच्चे होते हैं कि नहीं होते, पैदा करते हैं तभी होते हैं। बिल्ली के भी बच्चे होते हैं, जानवरों की, पंछियों की बच्चे होते हैं। दुनिया में लगाई हुआ है, सौभाग्यशाली हैं जो इन चार संज्ञाओं के ऊपर उठ करके वीतराग भाव को प्राप्त करते हैं। सौभाग्यशालियों, समय सार में आचार्य कुंद स्वामी ने कहा, क्या कहा? शुद्ध परिचिदान भूदा सब सवि काम भोग बंद कहा। बोलो, यत्तस्सो लंभो नवरीणा सुलहो विहत्तस्स। बोले, काम भोग बंध की कथाएं जीव के लिए सुलभ रही हैं, बहुत बार सुनी हैं, बहुत बार परिचित हुई हैं, बहुत बार अनुभव की हैं। सुत परिचित अनुभूता काम भोग बंध कहा सब बस सभी, सबकी सब। फिर क्या नहीं पाया, क्या नहीं सुना, क्या परिचय नहीं हुआ? विषय समझ में आ रहा पारस? दिमाग में फैक्ट्री घूम रही है, मैनेजर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मजदूर आए कि नहीं आए, ये भगवान, दोनों भाई यहां आ गए, वहां क्या हो रहा होगा? ये सब विषय सुना हुआ ही है, परिचित है। तुम यहां बैठे बैठे बिना मोबाइल के कहां की पिक्चर देख सकते हो, बताओ? यहां बैठे बैठे बिना कैमरे के, बिना मोबाइल के, सीसीटीवी फुटेज के बिना कहां का फुटेज आप देख सकते हो, बोलो? नहीं देख सकते, बिल्कुल देख सकते हो। अभी हाल दिमाग में भी घूम रहा है, शिखर जी का किसको घूम रहा है? आप शिखर जी की यात्रा करके आए होगे, इसलिए घूम रहा है। जो लोग डायरेक्ट घर से आए हैं उनसे पूछो, जो पत्नी को मायके छोड़ के आए हैं उनसे पूछो, जो चलती फैक्ट्री छोड़ के आए हैं उनसे पूछो। क्यों जी?
बिना फुटेज के फुटेज। बोले आंखें खुली हों या आंखें बंद हों, तू ही तू दिखता है। कौन दिखता है? ये सच्चाई है। जिसकी नजर में जो है, जिसकी रुचि जैसी है, उसको वो ही दिखता है। जैसे हम भोर में उठेंगे तो हमसे सबसे पहले हमको आएगा ध्यान में आह में को खलु सुधो, या फिर नमो अरिहंताणम, रुचि भावना, और फिर दो चार मिनट भगवान का स्मरण ध्यान, उसके बाद आगे की प्रवृत्तियां। सपना भी आएगा तो कैसा आएगा? भक्ति पूजा स्वाध्याय ध्यान, लेकिन आपको क्या आएगा सपने में? बड़ा पाव। चौपाटी पर गए हैं दोस्त लोग, इधर से उधर निकल गए हैं और सब बड़ा पाव खा रहे हैं, मैं भी खा रहा था। और क्या आएगा? इसी टाइप का आएगा कुछ जिसमें आप रचे पचे। ज्ञानियों ध्यान रखो, ये सब स्रोत हैं, परिचित हैं, अनुभूत हैं, इसलिए बिना फुटेज के भी वो ध्यान में यूं टपक पड़ते हैं। अभी क्या कर रहे होंगे, अभी वहां क्या हो रहा होगा, घर में अभी बच्चे क्या कर रहे होंगे, आप बस जैसे इन सब चीजों के प्रति चित्त जाता है, वैसे ही चेतना के प्रति चित्त जाए तो समझना जीवन सार्थक हुआ। सुत परिचित अनुभूता सब बस सब काम भोग बंद कहा, ये तस्व लंभो नवरी ना सुलभो विहत तस्व, एकत्व विभक्त निज आत्मा की रुचि सुलभ नहीं है। बोलो ज्ञानी, आपने क्या सपना देखा? क्या सपना देखते हैं आप लोग? आंखें बंद हों तो वो सपना देखते हैं जो खुली आंखों में अधूरा रह गया, और आंखें खुल जाएं तो वो जो सपना देखते हैं जो बंद आंखों में अधूरा रह गया। और सपनों सपनों में ही जिंदगी, सपनों में पहुंच जाइए, स्वरूप पर जाइए, सपने अपने नहीं होते और अपने सपने नहीं होते। अपने गुणों की ओर दृष्टि करो। आप कहोगे महाराज जी ऐसे बोलते हैं, कहां गुण, कौन सी चेतना, हमको तो आज तक दिखी नहीं, इतने साल हो गए प्रवचन कर सुनते सुनते। चेतना को देखने के लिए खूब कोशिश करो, आंख बंद करके देखने की कोशिश करो, आंख खोलते हैं तो घरवाली सामने खड़ी रहती है। आंख बंद करो तो भी ऐसे ही और चीजें तो आ जाती हैं, लेकिन ये क्या चीज है चेतना, ये नहीं आती। चेतना नाम की छोरी आ जाएगी, खुद की चेतना नहीं आएगी। समझना, विषय इतना हल्का भी नहीं है जितने हल्के से समझाया जा रहा है। वस्तु स्थिति यह है
कि चारों संज्ञाएं सारी संसारियों को लगी हैं, किसी भी कंडीशन में। आप कहो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी कौन है, कौन है बताइए? आज अधिकारों की अपेक्षा आप बोलिए, सबसे बड़ा सबसे शक्तिशाली कौन है? आप नाम गिनाएंगे क्या गिनाएंगे? धन के मामले में पूछे तो सबसे शक्तिशाली कौन है? हाँ, आप तो अभी भी अंबानी अंबानी बोलते हो, लेकिन कितने बार अंबानी अडानी ऊपर नीचे हो गए? आपको मालूम है कि इससे आगे निकल गया था? नहीं, हमने तो एक बार सुन रखा टाटा बिल्ला टाटा बिल्ला टाटा बिल्ला बस, लेकिन वो कितने बार ऊपर नीचे हो गए बेचारे? वो ही जानते हैं, उनकी आत्मा जानती। तो ऐसे ही जो आप बोल रहे हैं इनमें भी, और इसमें एक अनाड़ी के साथ अंबाड़ी के साथ और एक दमाड़ी भी आ गया है। और कब कबाड़ी दवाड़ी बन जाए कोई भरोसा नहीं पड़ता, और कब जो है अनाड़ी कबाड़ी बन जाए उसका भी कोई। महाराज जी को नाम नहीं आते बराबर। अनाड़ी नहीं तो और क्या है? बेशकीमती सांसें, और इसी में चली जा रही हैं। धर्म ध्यान की भी कोई रुचि हो, प्रैक्टिकल कोई जीवन में हो तो बात बने। इतना सारा संग्रह किया और आत्मी प्रवृत्ति ना सुधरी, आत्मीयता की दृष्टि ना बनी, तो बोलो क्या फायदा हुआ? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, आए थे कछु करन को करन लगे कछु काम, आए थे जिन भजन को धोबन लागे चाम। समझ में आ रहा? किस किस को समझ में आ रहा है बोलो? ज्ञानी अम्माओ, अम्मा बोलते हैं, बहुत प्यारा शब्द है। अगर अपन इस तरफ की अपेक्षा से बात करो तो बड़े बुजुर्गों को माँ को अम्मा बोलते हैं, और कर्नाटक की तरफ से बात करो तो छोटे बच्चे को अपनी बेटी को भी अम्मा बोलते हैं। तो प्यारे शब्द हैं, पूज्य शब्द हैं, अच्छे शब्द हैं। बताइए, आए थे कुछ करण को करण लगे कुछ काम, आए थे जिन भजन को धोबन लागे चाम। चाम धोने में ही तो ज्यादा समय जा रहा है जी, हिसाब लगाइए सजने सबरने में कितना टाइम जाता है। पहले तो कहा जाता था, पहले तो जोक्स बनते थे कि अगर आपको कहीं मंदिर जाना है तो पत्नी को एक घंटे पहले के बोल के रखो। जैसे आपको मंदिर जाना है 7 बजे तो उनको बोल के रखो 5 बजे जाना है, ताकि वो 3 बजे से समरना चालू कर दें और 7 बजे तक तो तैयार। लेकिन अब ये केवल स्त्री वर्ग पर लागू नहीं होता, आजकल भाई लोग भी वो भी समझ। चाम धोने में चमड़े धोने में चम समय जा रहा है, उपलब्धि क्या हो रही है? लेकिन उससे द्वात्रण सत्य का सामायिक पाठ में दूसरे नंबर का जो श्लोक है, शरीर तह कर तुम अनंत शक्ति विभिन्न मातमान मपास्त दोषो जिनेन्द्र कोषा द्युखड गयस्ति तव प्रसादेन ममास्तु शक्ति। क्या कहा है? शरीर तह कर तुम अनंत शक्ति विभिन्नम आत्मानम अपास्त दोषम, सारे दोषों से रहत जो आत्मा है मेरा अपना, उसको भिन्न करने की शक्ति मुझे प्राप्त हो। शरीर से आत्मा को भिन्न करने की शक्ति हे जिनेन्द्र देव मुझे प्राप्त हो। कैसे? ऐसे कोसा जो खट गयस्ति, जैसे कोष से तलवार को अलग किया जाता है, म्यान से तलवार को अलग कैसे किया जाता है?
अरे भाई, तलवार और म्यान अलग अलग हैं। पहले तो निर्णय हो कि तलवार और म्यान दोनों अलग अलग हैं। अगर यही भरोसा नहीं है, यही निर्णय नहीं है, तो तलवार और म्यान को अलग अलग कर सकते हैं क्या? वो तो ऐसे दिखती है कि एक ही चीज है, पकड़ते वक्त भी ऐसे दिखती है एक ही चीज है, जब तक उसमें घुसी है तब भी लगता है कि एक ही चीज है। एक ही है क्या? शरीर ताकर तू मनंत शक्तिम विभिन्न मात्मान मपास्त दोषम जिनेन्द्र कोषा दिव खड्ग यस्तिम तव प्रसादेन ममास्तु शक्ति। इसको कैसे कहेंगे? यह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभो ज्यों होती तलवार म्यान से वह अनंत बल दो मुझको। क्या मांगा है? अनंत बल ये भी शक्ति मने आपो के भी शक्ति जिससे अनंत बलशील आत्मा दे थी शरीर थी भिन्न थसो थसी हो। कैसे होगा? उसी की तो सेवा करने में लगे हो, केवल म्यान धोने में लगे हो, म्यान चमकाने में लगे हो, म्यान सजाने में लगे हो। मालूम है ऐसे ऐसे सम्राट हो गए कि जिनकी म्यान सोने की, हीरे मोती जड़ी, तलवार लोहे की है, तो म्यान तो उनने हीरे मोती सोने से चमक जड़ रखी है, और तलवार तलवार तो लोहे की होती है, लेकिन उसकी मूठ वगैरह पर जो होती है उस पर भी हीरे मोती लगा दिया, लेकिन वो हीरे मोती और वो म्यान के ऊपर लगी हुई सोना की चमक वो किस काम आने वाली? युद्ध के मैदान में क्या काम आता है? म्यान काम आती है कि तलवार काम आती है? ऐसे ही जब कर्म और आत्मा का युद्ध होता है, जब विकारों से युद्ध होता है, तो यह देह काम नहीं आती है, आत्मा की चमकती हुई तलवार ही। जैसे म्यान भिन्न है, हैं? वो एक और आता है ना, म्यान मोल करो तलवार की पड़ी दहन दो, जात ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की पड़ी रहन दो म्यान। साधुओं की जात मत पूछिए, कौन गांव से आए हैं महाराज जी, किसके शिष्य हैं, लोग जाति ही पूछने लगते हैं सच में ही। अच्छा अच्छा ये महाराज है ना, ये अच्छा अच्छा ये अग्रवाल है, बहुत बढ़िया रहे हैं, तो अपने ही हो गए, तो ऐसे करने लगते हैं। ये खंडेलवाल है, ये वॉलीबॉल है, ये फुटबॉल है, और परवार है, गोला पूरा है, हुमर है, अमुक है, ये उपजातियां हैं जैनों में, और उनकी बड़ी अच्छी समृद्ध परंपरा है, लेकिन साधु चरित्र आने के बाद इन सब की गिनती नहीं होती है, ना उन साधुओं को करना चाहिए और ना गृहस्थों को। क्या करना चाहिए? चाम मत देखिए, उनका काम देखिए, साधना। जातना पूछो साधु की, अरे आम जनता से भी सार्वजनिक प्रवचनों में यही कहा जाता है कि तुम साधुओं की जात मत पूछो कि जैन साधु हैं क्या, अमुक साधु हैं।
अपू तू ये साधु जो वीतरागता का मार्ग बता रहे हैं उसको स्वीकार करो और अपना कल्याण करो। तलवार की मोल करो, म्यान की नहीं, मतलब हुआ आत्मा की मोल करो, देह की नहीं। तो केवल देह के स्तर पर ना जिए, आत्मदृष्टि संपन्न बनने का पुरुषार्थ भी करें। देह म्यान मान लीजिए, आत्मा तलवार मान लीजिए। फिर यही तो प्रार्थना की है कि जैसे म्यान में से तलवार अलग कर दी जाती है, हे भगवान ऐसे ही मुझ में ऐसी शक्ति हो कि देह से चेतना को भिन्न अनुभव कर सकूं। आत्मा स्वभाव प्रभाव भिन्नम मापूर्ण माद्यंत मनंत मेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाश यन शुद्ध मथाभ्युदेति। ज्ञान जो है वह मैं हूं चैतन्य। देह तो सबको देख ही रहा है, पहचान में आ ही रहा है, सार संभाल में सब लगे ही हुए हैं। उससे आगे अपने निज स्वभाव की रुचि हो, चैतन्य तत्व की पहचान हो। ज्ञान ज्ञान जो है, आनंद स्वभाव जो है, वेदना संवेदना जो है, वह मैं हूं। और ऐसे सहज बनने का मार्ग सच्चे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में सहजता से मिलता है। इसलिए इस मार्ग पर चलें और थोड़ा सा समय निकाल के इस तरह की चिंतन की रुचि और धारा बनाएं, जिससे आप सबका मंगल हो। मुनिराजों का सानिध्य का भी यही लाभ है, यही फायदा है कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हो, परिणमन और मंगलमय परिणमन हो। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। धीसी जिनवानी जानत स्वर्गीय मोक्ष सुखदानी, आठ मिया रति बाहुबली स्वामी करी तपस्या होंगे मुख्य गामी। यह विधि मंगल आरती कीज पंच परम पद पद सुख निज, यह विधि मंगल आरती कीज पंच परम पद भज सुख निज। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। जय पारस देवा स्वामी, जय पारस देवा सुर नरमुनि जन धुव चरणन के नीत करे सेवा। जय पारस देवा शिव दी ग्यारस काशी में आनंदी अति भारी, स्वामी आनंदी अति भारी। अश्म सेन बामा माता गुर दीनो अवतारी, ओम जय पारस देवा सोहे, स्वामी उर की लखन सोहे। सूर्यकृति अति अनुपम भूषण कवि का मन मोहे, ओम जय पारस देवा। जलते देख नागिन को मंत्र नभिकार दिया, स्वामी मंत्र नभिकार दिया। हरा का मठ का मान ज्ञान का भानु प्रकाश गया, ओम जय पारस देवा। किसी की देवा आशिक रूम में किसी की, तुम विन दाता
भोली न कोगे शरण गहू में जिसके ओम से पारस देवा तुम्हें परमात्म तुम्हें अध्यात्म तुम्हें अंतरियामी स्वामी तुम्हें अंतरियामी स्वर्ग मोक्ष के दाता तुम्हें हो प्रभु वन के स्वामी ओम जय पारस देवा दीन बंधु दुख हरण जिनेश्वर तुम्हें ही हो मेरे स्वामी तुम्हें ही हो मेरे दोष विधाम को बास दास हम द्वार खड़े तेरे ओम से पारस देवा विपद विकार मिटाओ मन का अरज सुनो दाता स्वामी अरज सुनो दाता सेवक द्वैकर जोड़ प्रभु के चरणों चित लाता ओम जय पारस देवा जय पारस स्वामी जय पारस देवा सूरी नरे मुनि जन तुम चरे नने के करते इतनी सेवा ओम जय पारस देवा ओम जय पारस देवा बोलो पार्श्वनाथ भगवान की बोलो परम पूज्य मुनि कुंज ज्येष्ठ आचार्य आचार्य आदि सागर आचार्य महावीर कीर्ति आचार्य मल सागर तपस्वी सम्राट आचार्य शिक्षार्थ सन्मति सागर जी महाराज की बोलो परम पूज्य भिक्षु ज्ञान उपगी चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य शिक्षार्थ सुनील सागर जी गुरुदेव की ओम तो आरती उतारू रही अंकली के आदि जय सूरी आदि सागर जय जय हो जय सूरी आदि सागर जय जय हो तो आरती उतारो रे अंकली के आदि के जय सूरी आदि सागर जय जय हो जय सूरी आदि सागर बड़े तपस्वी तेरे श्रीराज आदि सागर जी अरे आदि सागर जी का क्या महिमा उनकी गाँव तपस्वी साधु की अरे तपस्वी साधु की सात दिन उपवास करे एक दिन आहार करे सात दिन उपवास करे एक वस्तु ले लीजिए हमें तो आरती उतारो रे अंकल के अंगदि के जय सूर्य आदि सागर जय जय ओ जय सूर्य आदि सागर जय जय ओ महावीर कीर्ति को बनाया बैठा दे ओ बनाया बैठा दे जिन्हें अठराह भाषा का ज्ञान लिया गुरु से आशे अरे लिया गुरु से आशे परिशह का सहन करे आत्म का चिंतन करे परिशह का सहन करे आत्म का चिंतन करे मधुमक्खी जब लिपट रही हमें तो अरे उतारो रंगे महावीर कीर्ति जय सोहरे महावीर कीर्ति जय 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 सोहरी महावीर जय जय हा
शिष्य बने निमित ज्ञानी विमल सागर जी। अरे विमल सागर जी सूरत देखते ही बातें बताए ऐसे ज्ञानी जी। अरे ऐसे ज्ञानी जी दया की भंडार की वात्सल्य मूर्ति की दया की भंडार की वात्सल्य मूर्ति की आरती उतारू रे आरती उतारू रे विमल सागर की। जय सुरे विमल सक जय जय हो जय सुरे विमल सक जय जय हो। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो कुंजन वाले सनीमति बाबा मेरी बिगड़ी बना दे सारे काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो कुंजन वाले सनीमति सागर मेरी बिगड़ी बना दे सारे काम। नाम रे सासों की माला पे सिमरों में सनीमति नाम सासों की माला में सिमरों में सनीमति नाम। जपते ही जपते हो जाऊं माला माँ जपते ही जपते हो जाऊं माला माँ। सासों की माला में सिमरों में सनीमति नाम सासों की माला में सिमरों में सनीमति नाम। अरे जन जन के प्रिय जन जन के दुलारे आचार्य सनीमति सागर हमारे। जन जन के प्रिय जन जन के मुरारे आचार्य सनीमति सागर हमारे। आरती करे चंदा सितारे आरती करे चंदा सितारे आचार्य सनीमति सागर हमारे। जनी जन के दुलारे आचार्य सनीमति सागर हमारे। शिष्य बने ऋषि राज सनीमति सागर जी। अरे सनीमति सागर क्या महिमा उनकी गाय तपस्वी साधु के। अरे तपस्वी साधु नीरस का त्याग करे मठ जल आहार करे नीरस का त्याग करे मठ जल आहार करे तेरी विजित ज्ञानी की। जिसे देख मेरा मन ही बोला मेरा मन ये कहता है जिसे देख और नहीं मेरे गुरु पर जी। मेरे गुरुवर जी सुने सागर आने से जिनके ही आए बहा आने
सुनील सागर मारी बिगड़ी बनाई दो ओ महाराज सुनील सागर मारी बिगड़ी बनाई दो गुरु बरा हमारी बिगड़ी बनाई दो गुरु बरा हमारी बिगड़ी बनाई दो मारी सोई तकदीर ने तमे जगाई दो मारा गुरु बरा हमारी बिगड़ी बनाई दो मारा गुरु बरा हमारी बिगड़ी बनाई दो सुनील सागर जी थारा चरणों में आव्या सुनील सागर जी थारा चरणों में आव्या सुनील सागर जी थारा चरणों में आव्या गुरुवर भक्ति ने साथ लाव्या गुरुवर भक्ति ने साथ लाव्या दुलारा सनमति सागर ना प्यारा सुनील सागर महारा 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 मेरा नद में हो प्रदेश दिते भव्य का उदार करे होने से रहते जो हमें तो अर्थी उतारो रे सुनील सागर के जय सुहरे सुनील सागर जय 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 धर्म साम्राज्य चतुर्थ बट भगे चलते सिके हैं राज दुलन रहे आमंदी के हैं अखो के तारे चार्य बच्चे पन से दारे गुरु मेरी है यहाँ सब से नारे जब भी ध्यान लगाए चिंता पास लाए हर संकट मिट जाए मनवांच दिवल पाए रेखाएं बदल जाए हाथ की करो आरती करो आरती सुनील सागर सुनील सागर आचार्य देवा आए हैं चरणों में चरणों की देवा जय जय कारा जय जय कारा गुरुवर देना साथ हमारा जय जय कारा जय जय कारा गुरुवर देना साथ हमारा क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है क्या कभी बिन बाते दीपक जलता है क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है क्या कभी बिन बाते दीपक जलता है किसी अनहोनी बांधो ही हमदम छोड़ गया तो तू कैसे जिएंगे हम तू ही किनारा तू ही सहारा तू जग सारा तू ही हमारा सूरज तू ही तारा जय जय कारा जय जय कारा सभी देना साथी हमारा जय जय कारा जय जय कारा सभी देना साथी हमारा बरुआ सागरे जस जिले में जैने शरी दीक्षा है लेनी संगति करो के है कर कमिलते है महावीर जयंती पवित्र पावन नमस्कार जानी कमिल बिके ज्ञानी सुता तुमके जानी आदि गुरु के वंशज महावीर कृति सम्मान छत्तीसगढ़ को धरते पट्टाचार्य बना कर समाधि गुरु ने है आरती करो आरती सुनील सागर आचार्य हो देवा आए हैं चरणों में हम चरणों की सेवा सुनील सागर धर्म दिवाकर विद्या के भंडार सुनील सागर धर्म दिवाकर विद्या के भंडार अपाचार्य महा किसारा जगित करे गुणगा किचोते भट्टाचार्य महान किसारा जगित करे गुणगा गुरुदेव का गुरु
सागर विराजे पतन दो लागे निसिंह पहल गुरु देते रथ त्रय व्रति अकबर प्रकट पश जानी बिकी जानी पदम की जानी मन की जाने संताई मिटा दे हरे बात की करो आरती करो आरती संदिल सागर आचार्य हो देवा आगे है चरणों में हरिणों की सेवा रखनी रखी करे मन नहीं भरता गुरबर के मुख की सब रसता हर का दर्शन चिंता हरिता पर दिलो कंचन करता द्वारे आते दिन जाते चार बेरा के दिन रात की करो आरती करो आरती सुनील सागर आचार्य देवा आए हैं चरणों में चरणों की सेवा दिल में गुरुओं के नाम की दिल में गुरुओं के नाम की जरा ज्योति जला के देख ले आएगे 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 मेरे गुरु दिल से बुला के देख ले देख ले सारे जगत में गुरुवर अपने सारे जगत में गुरु अपने तेरी जय जय हो रिया सुरल सागर गुरु ने बिकी जय जयकारा हो रिया सुरल सागर गुरु देव के जय जयकारा हो रिया आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।